प्रश्न संख्या 110। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक जी नहीं, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर द्वारा सितंबर 2019 में परीक्षाओं का टेंटेटिव टाइम टेबल जारी नहीं किया गया था, बल्कि टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया था जिसकी प्रति परिशिष्ट एफर संलग्न है। खंड दो जी नहीं, इस टेंटेटिव शेड्यूल के अनुसार परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी है। सत्र 2016-17 के प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा जुलाई 2018 में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में उन अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया गया, जिसका परिणाम मई 2019 में जारी किया गया, किंतु इससे पूर्व ही माह अप्रैल 2019 में सत्र 2017-18 के अभ्यर्थियों से प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे। सत्र 2016-17 की इस रिमांडेड परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सत्र 16-17 के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया था द्वारा भी ऑनलाइन फॉर्म भर गए थे। परीक्षा आयोजन के पूर्व कुछ अभ्यर्थियों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाने के कारण उनसे इस आशय का ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरवाया गया कि वे इसमें से कौन से परिणाम को पुनर्मूल्यांकन का या रिमांडेड को रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें अटेम्प्ट की गणना में कोई हानि ना हो। विकल्प प्राप्त किए जाने के पश्चात इनके अंतिम परिणाम 22 जनवरी 2020 तक जारी किए गए हैं। इस प्रक्रिया में समय लग जाने के कारण इन परीक्षाओं को टेंटेटिव शेड्यूल में प्रस्तावित अक्टूबर 2019 में आयोजित नहीं किया जा सका, अतः इसके लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी नहीं है। वर्तमान में द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर परीक्षाएं 15 फरवरी 2020 से आयोजित की जा रही है। खंड तीन जी नहीं, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा पिछले सत्र के विद्यार्थियों का परिणाम जारी किए बिना नया टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।